यूपी के सैफई में मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के 150 छात्रों की रैगिंग पर मेडिकल काउंसिल ने कॉलेज से जवाब मांगा है। उधर कॉलेज के डीन ने इसे रैगिंग मानने से ही इनकार करते हुए इसे संस्कार बताया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सैफई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर एमबीबीएस के छात्रों के साथ रैगिंग को लेकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। एमसीआई ने फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ हुए बर्ताव पर कड़ा रुख अपनाते हुए जवाब न देने पर एक साल के लिए मान्यता रद्द करने और प्रति छात्र 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है। साथ ही एमसीआई ने पूछा है कि रैगिंग करने वाले सीनियर छात्रों को 1 महीने के लिए सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, लेकिन कॉलेज के डीन पंकज जैन इसे रैगिंग नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ये संस्कार है जो सभी जूनियर छात्र अपनी मर्जी से अपनाते हैं। पिछले साल भी इस तरह की बात सामने आने पर 5 छात्रों पर कार्रवाई की गई थी। सैफई मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के दौरान एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के छात्रों के बाल कटवाकर उनकी परेड कराई गई थी। इस साल फर्स्ट ईयर में कुल 200 छात्रों ने एडमिशन लिया है, जिनमें से 150 छात्रों के सीनियर्स ने बाल कटवाकर उनकी परेड कराई। मामले में एंटी रैगिंग कमेटी इसकी रिपोर्ट गुरुवार को कुलपति को सौंपेगी। वहीं इस मामले में शासन ने भी जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।